Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7, chapter 6, triangles and its properties. We have already discussed about triangles and its properties in class 6 also. For better understanding, you can watch that video on my channel's playlist for class 6. So let's discuss some basic concepts related to triangles. So first of all, let's discuss about definition of triangle. What is triangle? ट्रायंगल जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ट्राई एंगल. ट्राई मीन्स थ्री एंगल, जो क्लोज्ड फिगर थ्री एंगल से मिलकर बना होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं. या फिर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या रहेगी स्टूडेंट, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स, इट हैज़ थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स. ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, एक क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. इट हैज़ थ्री वर्टिसेस, इसकी थ्री वर्टिसेस होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक क्लोज्ड फिगर है. ओके स्टूडेंट्स, और ये किससे बना, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. ओके स्टूडेंट्स, इसमें लाइन सेगमेंट कौन से हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ये इसके अंदर क्या है, लाइन सेगमेंट्स. और वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स. कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी सी, तो ये क्या है इसके वर्टिसेस. तो कितने वर्टिसेस बने स्टूडेंट्स, वन टू और थ्री, ये थ्री इसके वर्टिसेस हैं. एंड थ्री एंगल्स, तीन एंगल्स होते हैं इसमें. एंगल कौन कौन से स्टूडेंट्स, ये एंगल ए, ये यहाँ पे एंगल बी और यहाँ एंगल सी. ओके स्टूडेंट्स, सो वट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, यानी बंद एक क्लोज्ड फिगर है जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है और इसके थ्री वर्टिसेस होते हैं और थ्री इसके एंगल्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं. बेस्ड ऑन साइड्स, ट्रायंगल को हम दो टाइप से हम डिफाइन करते हैं. पहले एंगल के, ट्रायंगल के टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन साइड, साइड्स के अकॉर्डिंग, और फिर डिस्कस करेंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग. साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप का होता है स्टूडेंट्स, थ्री टाइप का होता है. कौन कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल या इक्वल, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इसके अंदर हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ओके स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइड्स की लेंथ इक्वल होगी एंड बेस एंगल आर इक्वल. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये साइड मान लीजिए इसकी इक्वल है, तो इसके बेस एंगल के इक्वल होंगे. बेस एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, बेस, ये हमारा बेस बनेगा जो इक्वल साइड के को छोड़ के, जो हमारा तीसरा लाइन सेगमेंट बनेगा वो हमारा बेस बनेगा, और इसके ये जो एंगल होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, सारी साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती हैं. जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये 3, ये 4. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स. हमने एंगल्स के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लास 6 में. कौन कौन से एंगल होते हैं स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल. इन एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल भी हमारे थ्री टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल मान लीजिए थीटा है, तो थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में. ओके स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस एंगल किसके बीच में लाई करता है, 90 डिग्री से ग्रेटर थीटा और लेस देन 180 डिग्री. और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, सो एक्यूट एंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एक्यूट हो, यानी लेस देन 90 डिग्री, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा हमारा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस्ड मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री का, जहाँ जो एंगल होता है वो हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल. और ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा बनेगा, जिसमें एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूस होगा, यानी मोर देन 90 डिग्री. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एंगल बी जो है ऑब्ट्यूस एंगल है. कैसे है, क्योंकि जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन बनती है हमारी, वर्टिकल लाइन
ओके स्टूडेंट्स, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 से कम हमारा एक्यूट होता है, 90 से ये ज़्यादा है तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, सो यहाँ पे एंगल भी ऑब्ट्यूस एंगल है. ओके स्टूडेंट्स, और राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल सी 90 डिग्री का एंगल है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा कितने कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल. मीडियन मिड पॉइंट, मीडियन मीडियन मींस मिड पॉइंट. मीडियन क्या होते हैं स्टूडेंट्स ट्रायंगल की, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. अ ट्रायंगल हैज थ्री मीडियंस. मीडियन क्या होती है स्टूडेंट्स, जो हमारा ट्रायंगल है इसमें वर्टेक्स लेते हैं, वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होती है उस पे जो एक पॉइंट लेंगे जो इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी बी डी इक्वल टू डी सी. ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम लाइन सेगमेंट से मिला देंगे तो ये हमारी बनेगी मीडियन. ए डी लाइन हमारी क्या है, मीडियन, जो कि बी सी लाइन सेगमेंट है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी बी डी इक्वल टू डी सी, तो ये हमारी बनेगी मीडियन. सो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल को टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, जैसे ए हमारा वर्टेक्स है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, इसके सामने साइड हमारे बी सी, तो इसको क्या करेगा, अपोजिट साइड को मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट से हम मिलाएंगे तो ये हमारी क्या बनेगी, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. ए ट्रायंगल हैज थ्री मीडियंस, एक ट्रायंगल की थ्री मीडियंस होती हैं. कैसे होती है स्टूडेंट्स, जैसे ए वर्टेक्स है, ए के अपोजिट हमारा कौन सी साइड है, बी सी, और ये हमारा डी मिड पॉइंट है, बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बी डी इक्वल टू डी सी, तो ये हमारी मीडियन बनेगी. ऐसे ही अगर हम बी को वर्टेक्स लेते हैं, बी के अपोजिट कौन सी साइड बनेगी, ए सी, तो ए सी पे हम मिड पॉइंट लेंगे, यानी ऐसा पॉइंट जो ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे नाम देते हैं हम ए बी सी डी, ई पॉइंट नाम दे देते हैं, तो बी ई ये भी हमारी मीडियन बनेगी. और ऐसे ही सी वर्टेक्स लेते हैं, सी के अपोजिट कौन सी साइड बनेगी, ए बी, और ए बी पे हमें एक ऐसा पॉइंट लें जो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, और यहाँ से इस पॉइंट को और सी को हम मिला दें, जैसे इसका नाम हमने रख दिया इस पॉइंट का एफ, तो सी एफ ये भी हमारी क्या बनेगी, मीडियन. तो एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन बनी स्टूडेंट्स, वन ए डी बी ई टू और एफ सी थ्री, कितनी मीडियन बनी स्टूडेंट्स, थ्री मीडियंस बनी. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. एल्टीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. ए ट्रायंगल हैज थ्री एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है. ओके स्टूडेंट्स, इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी. ओके स्टूडेंट्स, सो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड, जैसे हमने ए यहाँ पे वर्टेक्स है, ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, बी सी पर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो बी सी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये जो लाइन सेगमेंट बना हमारा ए डी क्या बनेगा, ये हमारा एल्टीट्यूड. ओके स्टूडेंट्स, सो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट यानी ऐसा लाइन सेगमेंट जो 90 डिग्री का एंगल बनाए तो टू इट्स अपोजिट साइड्स, वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड. ओके स्टूडेंट्स, एंड ए ट्रायंगल हैज थ्री एल्टीट्यूड्स. ट्रायंगल के थ्री ही एल्टीट्यूड होते हैं, जैसे यहाँ पे थ्री मीडियन होती हैं ऐसे ही थ्री एल्टीट्यूड्स होते हैं. कैसे, जैसे यहाँ पे बी को हम वर्टेक्स लेते हैं, बी के अपोजिट कौन सी साइड बनेगी स्टूडेंट्स, ए सी. अब हम क्या करेंगे, बी से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा, जैसे ये पॉइंट लेते हैं हम ई, तो ये हमारा क्या बनेगा, बी ई हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे सी सी वर्टेक्स लेते हैं, सी के अपोजिट साइड कौन सी बनेगी, ए बी. अब हम क्या करते हैं, सी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यानी ऐसा लाइन सेगमेंट जो ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, एल्टीट्यूड. सो ए ट्रायंगल हैज थ्री एल्टीट्यूड्स. एक ट्रायंगल के कितने एल्टीट्यूड होते हैं, थ्री, जैसे ए डी हमारा वन, बी ई टू
और यहाँ पे इसका नेम रख देते हैं एफ, एफ सी हमारा 3। सो एक ट्रायंगल के 3 ही मीडियन होते हैं और 3 ही एल्टीट्यूड होते हैं। मीडियन में और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? मीडियन तो क्या होती है, गिवन लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बट एल्टीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है, यानी जो अपोजिट साइड होती है वर्टेक्स के उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये होते हैं हमारा एल्टीट्यूड। अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल PQR, D इज मिड पॉइंट ऑफ QR, PM लाइन सेगमेंट PM इज डैश, PD इज डैश, इज QM इक्वल टू MR। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, और क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे P से M ये क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और PD क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट है, यानी D यहाँ पे मिड पॉइंट है, यानी QD इक्वल टू DR है, ये मिड पॉइंट है। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स कि PM क्या है, लाइन सेगमेंट PM, देखिए स्टूडेंट्स PM जो लाइन सेगमेंट है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो PM हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या बनता है वो हमारा लाइन सेगमेंट क्या बनता है स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड। क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पे फिल करेंगे PM इज एल्टीट्यूड। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिल करेंगे ब्लैंक को एल्टीट्यूड, PM इज लाइन सेगमेंट, PM इज एल्टीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ PD क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए D क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट है, मींस PD क्या है मीडियन है, जो QR को, जो लाइन सेगमेंट QR है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी QD इक्वल टू DR, सो ये बनेगी हमारी मीडियन, सो PD इज मीडियन। सो यहाँ पे क्या फिल करेंगे स्टूडेंट्स, PD इज मीडियन। इज QM इक्वल टू MR, क्या QM इक्वल टू MR है, आप स्केल की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि QM और MR इक्वल लेंथ के लाइन सेगमेंट नहीं है, ये हमारा स्मॉल लाइन सेगमेंट है, ये लार्ज लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, नो। सो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, ड्रॉ अ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग, हमें रफ स्केच बनाना है, यानी ड्रॉ करना है किसको, ए पार्ट में हमें ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल ABC जिसमें BE इज मीडियन, ABC एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें BE हमारे मीडियन हो, बी पार्ट में हमें ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल PQR जिसमें PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें PQ और PR जो होंगे एल्टीट्यूड्स होंगे, और एक ट्रायंगल XYZ जिसमें YL इज एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, जो YL है हमारी एल्टीट्यूड बनेगी और जो एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल है उसके अंदर होगी, एक्सटीरियर मीन्स बाहर का पार्ट, इंटीरियर मीन्स अंदर का पार्ट, जैसे ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे वो हमारे इंटीरियर बनेंगे, और इसके बाहर कहीं पे भी कोई भी हम पॉइंट लेंगे वो हमारा एक्सटीरियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो पहले हम ए पार्ट को डिस्कस करते हैं, इन ट्रायंगल ABC पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, BE एक मीडियन हमें ड्रॉ करनी है, मीडियन का हमने बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, मीडियन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो वर्टेक्स होता है उसके अपोजिट लाइन सेगमेंट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी उसका मिड पॉइंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें बी पॉइंट से और ई हमें एक मीडियन ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पे PD मीडियन है ऐसे ही हमें क्या करना है BE यहाँ पे हमें मीडियन ड्रॉ करनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है BE एक मीडियन ड्रॉ करनी है, यानी AC पे मिड पॉइंट लेंगे और इस लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे BE जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी AE इक्वल टू EC, तो ये बनेगी हमारी मीडियन। आप इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे बी वर्टेक्स को ऊपर लेंगे ABC और B से हम यहाँ पे क्या करेंगे E एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, सो BE यहाँ पे मीडियन है, यानी AE इक्वल टू EC। ओके स्टूडेंट्स, आप दोनों में से किसी भी टाइप से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ बी पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ट्रायंगल PQR और जिसमें PQ एंड PR जो होंगे वे एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल होंगी। हमें पता है स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड क्या होती है स्टूडेंट्स, जो गिवन ट्रायंगल पे 90 डिग्री का
जो वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड होती है अपोजिट साइड, उस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। यहाँ पे देखिए, जैसे पी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, क्यू आर, और ये एम जो है पी एम, यहाँ पे क्या है एल्टीट्यूड है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन इसमें क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी क्यू और पी आर दो एल्टीट्यूड होंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के अंदर दो एल्टीट्यूड होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम क्या कर रखे हैं, क्या है स्टूडेंट्स, पी क्यू और पी आर, इस टाइप से हमें क्या करना है, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर क्या होने चाहिए, एल्टीट्यूड होने चाहिए। लेकिन यहाँ और क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं हमारे, जो वर्टिसेस हैं, वही हमारे क्या बनेंगे, वर्टिसेस को लेंगे। जैसे पी क्यू, ये भी हमारा एल्टीट्यूड बनना चाहिए, ये लाइन सेगमेंट, और पी आर भी हमारा क्या बनना चाहिए, एल्टीट्यूड बनना चाहिए। ऐसे हम परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे एक और बात ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, पी क्यू और पी आर, यहाँ पे पी जो है दोनों लाइन सेगमेंट्स में कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, यानी पी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जिससे कि पी क्यू और पी आर हमारे क्या बन जाएंगे, एल्टीट्यूड्स बन जाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस टाइप से बनाएंगे इस ट्रायंगल को, पी क्यू आर, और पी पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि पी क्यू और पी आर क्या है, यहाँ पे एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। सो हमें इस टाइप से एक राइट एंगल ड्रॉ करना होगा, और जो राइट एंगल बनेगा, यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वो हमारा पी जो वर्टेक्स होगा उस पे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई एल इज एल्टीट्यूड इन एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक एक्स वाई जेड ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जिसमें जो हमारा वाई जो वर्टेक्स है, इससे हमें क्या करना है, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है वाई एल, और जो एल्टीट्यूड होगा वो हमारा एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल होगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड था, ये हमारा इंटीरियर में आ रहा है, यानी अंदर से ये लाइन सेगमेंट बन रहा है। लेकिन हमें ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें बाहर हमारा क्या बनेगा, एल्टीट्यूड। सो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे ड्रॉ करेंगे इस ट्रायंगल को। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वाई से हमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, जो कि एक्सटीरियर में होगा, यानी ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा, लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के बाहर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे वाई है, तो हम क्या करेंगे, एक्स जेड जो हमारा लाइन सेगमेंट है, इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ाएंगे, और वाई से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो दोनों पॉइंट है, यहाँ पे एल पॉइंट पे मीट करेंगे, तो वाई और एल हमारा क्या बनेगा, एल्टीट्यूड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमारा एल्टीट्यूड बना है, ये जो ट्रायंगल गिवन है एक्स वाई जेड, इसके एक्सटीरियर में बना है, यानी इसके बाहर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। ओके स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉ करने का और कोई तरीका नहीं है, हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। वेरीफाई बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम इफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम, हमें एक डायग्राम को ड्रॉ करना है, यानी ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, और फिर क्या वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, कि मीडियन और एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम, के जो मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की सेम होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल बनेगा, उसकी मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया है ए बी सी, जिसमें लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए सी। ओके स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ये हमारी डिफरेंट लेंथ का लाइन सेगमेंट है, और ए बी और ए सी हमारे इक्वल लेंथ के हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एनी टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे,
कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे या फिर मीडियन हम ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे स्टूडेंट्स आप मेजर करेंगे स्केल के हेल्प से कि बी डी इक्वल टू डी सी बनेगा, यानी ये लाइन सेगमेंट जो बनेगा हमारा मीडियन बनेगा और ये हमारा एल्टीट्यूड बनेगा। कैसे? आप प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए डी हमारा एल्टीट्यूड पे बनेगा और बी डी इक्वल टू डी सी लाइन सेगमेंट बनेगा, यानी डी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, ए डी जो है लाइन सेगमेंट बी डी और डी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ए डी जो हमारा क्या बनेगा, एक मीडियन भी बनेगा। दैट मीन्स कि मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ आइसोसेलीस एंगल ट्रायंगल्स आर सेम। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। ड्रा ए डी एज मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी हमारा जो ट्रायंगल है, हमने क्या किया यहाँ पे, ए डी जो हमने मीडियन को ड्रॉ किया, मीडियन है, दैट मीन्स बी डी इक्वल टू डी सी। ओके स्टूडेंट्स, मेजर एंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी जो एंगल यहाँ पे बना है इसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। वी फाइंड एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए डी बी, ए डी सी या फिर ए डी बी दोनों साइड से हम मेजर कर सकते हैं, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। दस ए डी इज मीडियन एज वेल एज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो 90 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स ए डी इज एल्टीट्यूड ऑल्सो, ए डी इज मीडियन ऑल्सो, सो ए डी इज मीडियन एज वेल एज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो ए डी हमारी क्या बनेगी, ये जो गिवन ट्रायंगल आइसोसेलीस ट्रायंगल, इसकी मीडियन और जो एल्टीट्यूड है दोनों ही बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।